Yeah, that's true. That I've clarified in our any meeting also we recently. NCK meeting. Sir, हम NCK meeting में नहीं थे तो हमारे सामने बीच आप लोगों ने चलाई थी आपके चैनल पे तीन बार चले आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी. We will never disappear. हमारी मीडिया वालों ने पिछले चार सालों में हमारी कई बार ओबिचुअरी लिखी जा चुकी है, श्रद्धांजलि दी जा चुकी है हमें. ये तो मर गए, ये तो खत्म हो गए, ये तो ये हो गए. मुझे याद है शायद जून या जुलाई के इंडिया टुडे के कवर में आप लोगों ने फिर से एक ओबिचुअरी छापी थी कि हम लोग खत्म हो गए, हम लोग मर गए. लेकिन ऊपर वाले ने फिर हमें जिंदा कर दिया, हम फिर वापस आ गए. एक्चुअली आम आदमी ही ये सारी जो आम आदमी है ना, यही भगवान है सर. यही इन्हीं की आत्मा जो है वही भगवान है. मैं आम आदमी जो कलेक्टिव जनता की जो कलेक्टिव जनता है वही भगवान है सर. नहीं, आपने अपने हिसाब से वो कर लिया कि क्यों भावुक हुए और क्यों हुए. और जो जिस किस्म के षड्यंत्र अंदर रचे जा रहे थे, आई विल नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट उस टाइम. और पर्सनल मुझे अटैक किया जा रहा था उस टाइम, वो शायद इमोशनली मेरे लिए उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था. एंड दैट इज़ द रीज़न आई गॉट इमोशनल. दैट्स इट सर. उम्मीद थी कि हम गलत नहीं हैं, हमने कोई गलती नहीं की, हमने पैसे नहीं खाए, हमने चोरी नहीं की, हम जो भी कर रहे थे निस्वार्थ भाव से कर रहे थे, सब कुछ दांव पे लगा के कर रहे थे. वो उम्मीद थी, मेहनत कर रहे थे और वो मेहनत हमें उम्मीद थी कि रंग लाएगी, और वही हुआ. अभी भी पिछले दो महीने से जो आप देख रहे हो जिस किस्म के षड्यंत्र चल रहे हैं, जिस किस्म के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मैं बिल्कुल परे हूँ उस सबसे. मैं गवर्नेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ लड़ाई झगड़े करने नहीं आया था. ना मैं वो जून महीने के लड़ाई झगड़े करने आया था और ना मैं ये वाले लड़ाई झगड़े करने. मुझे लग रहा है आज मेरे को रुला के ही छोड़ा. मेरा हंसता हुआ चेहरा इनको छोड़ रहा है. खेलता आपको सूट नहीं करता. कह रहे रो, उस टाइम रोया था, फिर रो. व्हाट यू फील सर? अभी हम दिल्ली सरकार चला रहे हैं और दिल्ली सरकार बहुत अच्छी चल रही है. वहां से हमारा सस्टेनेंस आ रहा है, हमारी आत्मा की तृप्ति वहां से हो रही है. इसलिए हम बिल्कुल, मैं अभी एक और प्रोग्राम में CIA के प्रोग्राम में गया था, वहां पे एक एंकर बैठी थी, पीछे पड़ गई मेरे. मैंने कहा मैं बात ही नहीं करूंगा हमारी पार्टी के इस अंदरूनी कलह के बारे में. आई विल नॉट. नहीं, आपको करनी पड़ेगी. तो मैंने ऑडियंस से पूछा, ऑडियंस बोले हम ये सुनने के लिए नहीं आए, हम दिल्ली की गवर्नेंस सुनने के लिए आए. देखिए सर, जिसको गवर्नेंस भुगतनी पड़ती है वो तय करता है कि किसकी गवर्नेंस अच्छी है. तो जब दिल्ली के चुनाव हुए तो लोगों के पास दो मॉडल थे. एक था केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ऑफ 49 डेज, और एक था मोदी जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस फॉर 7 मंथ्स और 8 मंथ्स. तो लोगों ने 67 सीट्स देके साबित कर दिया कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ज्यादा पसंद है. उनकी गवर्नेंस में कुछ चंद देश के अमीर लोग संक्रमण पॉलिसीज उनके लिए बनती है. हमारे यहाँ पॉलिसीज एक आम आदमी के लिए बनती है. आज से पूरी दिल्ली में मैं कहने में और करने में तो बहुत फर्क होता है. मैं केवल ये, जैसे अभी दिल्ली में जहाँ भी जा रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, मैं सवेरे वॉक पे निकलता हूँ, खूब जनता मिलती है. जनता कहती है सर बिजली का बिल आ गया सर, आधा हो गया सर. पूरी दिल्ली के अंदर सर एक खुशी है जनता के कि बिजली का बिल आधा हो गया, फिर पानी का बिल कम हो गया, अब भ्रष्टाचार कम हो गया. पिछले आज मेरे पास 4-5 लोगों के SMS आए थे, गाड़ी अथॉरिटी पे गए थे सर, सारे दलाल भाग गए जब से ये टेलीफोन लाइन चल रही. तो लोग सेंटर में हैं. अब हम बजट बना रहे हैं, बजट जनता से पूछ के बनाएंगे. कभी हुआ है आप जिस तरह की अभी देखोगे अगले एक महीने में आपको बड़ा अच्छी चीजें देखने को मिलेगी. अगर आप मेरी वैगनार वगैरह छोड़ दो तो आप आपको कई अच्छे मॉडल ऑफ गवर्नेंस अगले एक महीने में मिलेंगे सर. तो उसको थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, हमारी थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा. ईमानदार राजनीति आम आदमी की राजनीति, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ सेंटर करता है. लेकिन विचारधारा क्या है? यही है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व कहां से आ गई? तो आज पहली बार आप बात कर रहे हैं, किसी ने आज तक हमें नहीं बोला.
हम तो सारे धर्मों को साथ लेके चलते हैं, सारी जातियों को साथ लेके चलते हैं, किसी ने आज तक क्या आरोप नहीं लगाया। आपकी एनिमी नंबर वन कौन है, कांग्रेस है या बीजेपी है? भ्रष्टाचार और महंगाई।